करने वाले हैं। दूसरी इकाई में जो भी पाठ, जो भी कविताएं और जो भी व्याकरण का भाग हमने पढ़ा है, उसको फिर से हम एक बार रिवीजन के द्वारा पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी इकाई का पहला पाठ कौन सा है? सही, उपयोग हमारे। यह एक चित्र वर्णन है। इस चित्र वर्णन के माध्यम से हमें डाकघर और बैंक, इन दो चित्रों के द्वारा जानकारी दी गई है। चित्र वर्णन का अर्थ क्या होता है? चित्र वर्णन का अर्थ होता है कि किसी एक चित्र का निरीक्षण कर उसके प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब इससे क्या होता है, इससे हमारा निरीक्षण कौशल्य मीन्स ऑब्जर्वेशन स्किल का विकास होता है। हम हर किसी चीज को हर नजरिए से, बारीकाई से अगर हम देखेंगे तो हमें हर वो चीज जो हमारे सामने है, जो हमें समस्या लगती है या समझने में कठिनाई होती है, उसे अगर हम बार बार निरीक्षण कर देखें तो उसमें से रास्ता निकलता है। तो आज हम देखेंगे डाकघर। डाकघर की जानकारी लेते वक्त हम देखेंगे कि डाकघर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं और कौन कौन सी सूचनाएं वहां लगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये है डाकघर का चित्र। डाकघर, डाकघर में हमें अलग अलग तरह के काउंटर दिख रहे हैं। कौन कौन से काउंटर हैं? बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री यानी टिकट। हर काउंटर पर डाकघर के कर्मचारी लोगों को सुविधा देने के लिए उपस्थित है। डाकघर में कई लोगों की आवाजाही है। जैसे ही हम डाकघर के अंदर जाते हैं, एक बड़ा सा मेज हमें दिख रहा है। मेज माने टेबल। उस टेबल पर कई लोग अपने काम कर रहे हैं। कोई पत्र लिख रहा है, कोई टिकट चिपका रहा है। अलग अलग काम के लिए इस मेज का उपयोग वहां पर किया जाता है। इस डाकघर में कुछ स्लोगन भी लगे हुए हैं। बचत आपकी, प्रगति देश की, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। पासी में एक सूचना पट भी लगा हुआ है। ये सूचना पट इसलिए है कि डाकघर में जो भी नवीन जानकारी आती है, सूचनाएं आती है या योजनाएं आती है, उनको लोगों की जानकारी हो, इसलिए वहाँ पे एक सूचना फलक या सूचना पट भी लगा हुआ है। अंदर, डाकघर के अंदर एक कैबिन में डाकिया पत्र जमा कर रहा है ताकि वह लोगों तक पहुँचा सके। इस तरह अलग अलग जानकारी इस डाकघर में हमें मिलती है। अगला चित्र है बैंक का। बैंक में आप सभी कभी ना कभी गए होंगे। बैंक के सिवाय हमारे जीवन में हम व्यवहार कर ही नहीं सकते, इसीलिए बैंक की जानकारी होना भी जरूरी है। यह चित्र एक बैंक का है। जैसे ही हम बैंक के अंदर जाते हैं तो दरवाजे के पास एक सुरक्षा कर्मचारी बंदूक लिए खड़ा है ताकि बैंक में कोई भी घटना या दुर्घटना ना हो, लोगों की वह रक्षा कर सके। आगे पूछताछ का काउंटर है। जो भी बैंक के बारे में जानकारी जाननी हो, इस काउंटर पर हम कर सकते। सामने ही बचत खाता है। जो भी लोग कमाते हैं, बचत करते हैं, वहां पर जमा करने के लिए आते हैं। उसके आगे कैशियर का काउंटर है। कैशियर पैसे जमा करने का और देने का काम करता है। लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको वह लेन देन का काम करता है। अगले काउंटर पर सारे बैंक की एंट्रीज रखी जाती हैं। ठीक उसके सामने मैनेजर का कैबिन दिखाई दे रहा है। मैनेजर मतलब बैंक का प्रमुख व्यक्ति होता है। वो लोगों को बैंक की विविध जो भी जानकारी है, सुविधाएं हैं, उनके बारे में वह बताता है। चलो, इस पर आधारित प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, डाकघर में कौन कौन से काउंटर हैं? सही, डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, ये काउंटर हैं। अगला प्रश्न, डाकघर से किसी व्यक्ति को पैसे भेजने वाली सुविधा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मनी ऑर्डर कहते हैं। सही उत्तर। अगला प्रश्न,
डाकघर में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है बताइए तो जरा, देखिए चित्र को। सही, बचत आपकी, प्रगति देश की, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। अगला प्रश्न, डाकघर में आने वाले लोग मेज का क्या उपयोग करते हैं? सोचिए तो जरा, क्या उपयोग करते हैं? सही, डाकघर में आने वाले लोग मेज का उपयोग पत्र लिखने के लिए या टिकट चिपकाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं बैंक पर आधारित प्रश्न। बैंक के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? बैंक के प्रमुख अधिकारी को मैनेजर कहते हैं। अगला प्रश्न, बैंक में पैसे जमा करने और देने का काम कौन करता है? सही, बैंक में पैसे देने और जमा करने का काम कैशियर करता है। अगला प्रश्न, बैंक में कौन कौन से काउंटर हैं? बैंक में बचत खाता, पूछताछ और कैशियर काउंटर है। बैंक में सुरक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बैंक में सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मचारी को तैनात किया गया है। डाकघर और बैंक की जानकारी हमने ले ली, अब चलते हैं हम अगली कविता की ओर। तूफानों से क्या डरना। तूफानों से क्या डरना इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जीवन का महत्व समझाया है। कवि इस कविता में हमें समझा रहे हैं कि जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी संघर्ष आए, हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनका डटकर मुकाबला करना है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई कठिनाई आती ही रहती है, तो ऐसे कठिनाइयों से डरकर हमें हारना नहीं चाहिए। हर कठिनाइयों के ऊपर कोई ना कोई मार्ग होता है, कोई ना कोई उत्तर होता है, तो उस उत्तर को हमें ढूंढना है। कैसे? मेहनत करके, परिश्रम करके और एक दूसरे का साथ देकर। तो चलो पहले हम एक कविता पढ़ लेते हैं। कविता क्रमांक 2, तूफानों से क्या डरना, जिसकी कवयित्री है शिखा शर्मा। कवि हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को अपना समझकर हमें व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पे वे कहते हैं कि प्यार सभी से करना चाहिए, मतलब चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक दूसरे का प्यार करना है, एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे का साथ देना है। क्यों? क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी तूफान आएंगे उनसे हम लड़ पाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि तूफान मतलब संघर्ष, संकट, समस्याएं जीवन में आती रहती है, इनसे डरना नहीं है, इनसे हमें डरकर मुकाबला करना है। आगे कवि कहते हैं कि हिम्मत करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती। जो भी हिम्मत से तूफानों का सामना करता है, समस्याओं का सामना करता है, वो सब अपने आप में खुद को संभाल कर अपना मार्ग निकालता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनको सबकी मदद मिलती रहती है। इसीलिए हमें ऐसी समस्याओं से, संकटों से डरना नहीं है। और फिर कवि आगे कहते हैं कि सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म मतलब अच्छे काम, अच्छे काम कर हमें हमारे जीवन को रंगीन बनाना है। आगे कवि कहते हैं कि जीवन जो है हार जीत का एक खेल है। इस हार जीत के खेल में कभी किसी की हार होती है तो कभी किसी की जीत होती है, मतलब किसी को सफलता मिलती है तो किसी को असफलता मिलती है। लेकिन हमें सफलता और असफलताओं से ना डरकर हमें अपना काम करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। जो भी आपके हाथ लगेगा, जो भी आपको काम करके मिलेगा, जो भी आपके नसीब में होगा अपने सत्कर्मों से, तो उसे आपको हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी लेना चाहिए। ये मिला है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ऐसी बातों में ना पड़कर जो भी हाथ लगा है उसी में खुशी मानकर जीवन को जीना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए। और फिर कवि कहते हैं कि हमें आनंद में जीवन जीने के लिए कुछ ही
वक्त दिया है भगवान ने। जब तक जियो हंस कर जियो, कब कौन चला जाएगा या फिर एक दिन सबको ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। इसीलिए जो भी जीवन में मिलता है उसी में खुश होकर एक दूसरे का साथ देकर हमें इन तूफानों से लड़ना है। कवि आगे कहते हैं कि धूप छांव जीवन का हिस्सा है, जैसे धूप के बाद छांव और छांव के बाद धूप। इसका मतलब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी खुशियां, आनंद के बाद दुख और दुख के बाद खुशियां, ऐसा चलता रहता है। इसीलिए हमें इन दोनों को खुशी खुशी जीना चाहिए। कभी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। रात को कितना क्यों ना तूफान आए, रात क्यों ना कितनी अंधेरी हो, लेकिन सूरज सुबह उस अंधेरे को पछाड़ देता है। काली घनेरी रात के बाद एक सुनहरा उजाला जीवन में आता है। उसी तरह दुखों का संघर्ष खत्म हो जाने के बाद अच्छे और खुशियों के दिन व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इसीलिए हर लम्हा हमें खुशी खुशी जीना चाहिए, लेकिन हमें धीरज धरना चाहिए। और धीरज ही हम में नहीं होता, हम आज काम करते हैं तुरंत हमें उसका फल चाहिए होता है, लेकिन नहीं, ये हमें धीरे धीरे अपने कर्मों के अनुरूप मिलेगा। इसीलिए हमें धीरज धरना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि देह अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। देह अभिमान मतलब हमारा शरीर, ये शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन हमें इस शरीर को छोड़कर जाना है। तो इस शरीर के लिए हमें जो भी हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ये कम कर देना चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, तो यह अहंकार हमें छोड़ देना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम से, अच्छे व्यवहार से रहना चाहिए। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमें क्या करना है, सबको सच्ची राह दिखानी है, सबको अच्छे काम सिखलाने हैं। यह कवि यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं और कहते हैं कि आत्मज्ञान के दीप जलाकर हमें सारी दुनिया में उजाला करना है और यह अंधेरा खत्म कर हमें हमारे जीवन में फिर से रोशनी लानी है। हमें आत्मज्ञान के दीप जलाकर सबके जीवन में जो अंधेरा है वो कम करना है, क्योंकि अंधेरे रात के बाद एक उजाला होता है। और उसी तरह शिक्षा के, आत्मज्ञान के दीप से हम सबके जीवन में एक आशा की किरण ला सकते हैं, उजाला रोशनी ला सकते हैं। ऐसे इस कविता का सारांश यहाँ पर है। तो हमने इस कविता का सारांश तो समझ लिया, अब चलते हैं कविता के प्रश्न उत्तरों की ओर। प्रश्न पहला, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है, बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सही, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, हमें धीरज क्यों धरना चाहिए, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। हमें अंधेरा किस तरह दूर करना है, सोचिए तो जरा। सही, हमें आत्मज्ञान के दीप जलाकर अंधेरा दूर करना है। अगला प्रश्न, सबकी मदद कैसे लोगों को मिलती है, सोचिए तो जरा। सही, हिम्मत करने वाले लोगों को सबकी मदद मिलती है। अगला प्रश्न, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, इसीलिए हम सबको हंसकर जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। पुस्तक के आधार पर, कविता के आधार पर आपको पंक्तियाँ याद कर ये पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। नफरत करना नहीं --, रंग भरना जी, याद कर इन पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो क्या है यह पंक्तियाँ, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। मित्रों, आज हमने पाठ क्रमांक 1 और कविता क्रमांक 2 इसकी रिवीजन कर ली है।
इसके प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा भी हमने कर ली। सारांश भी समझ लिया। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से चिंतन करके, मनन करके ये कविता और इस चित्र का निरीक्षण करना है और अपने आप में फिर से एक बार इन प्रश्नों के उत्तरों को दोहराना है। धन्यवाद।